आफ्टरनून बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं गृह विज्ञान में प्रश्नों के उत्तरों का अभ्यास करेंगे। अस्थि संस्थान। अस्थि क्या है? अस्थि क्या होती? हड्डियों को हम बोलते हैं अस्थि। अस्थि हमारे शरीर का कोई भी अंग का अस्थि कोशिकाओं से जो मिलकर बनता है उसे हम अस्थि कहते हैं। छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं अंग, उन्हें हम अस्थि कहते हैं। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फेट लवण पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फेट पाया जाता है हड्डियों। फिर मेरुदंड के कार्य लिखिए। मेरुदंड के कार्य लिखिए यानी रीढ़ की हड्डी के कार्य, रीढ़ की हड्डी का हमारे शरीर में क्या महत्व है, उसके कार्य। मेरुदंड की पोली नलिका तंत्रिका नाल में सुषुम्ना नाड़ी को सुरक्षित रखती है। इससे सुषुम्ना नाड़ी सुरक्षित रहती है। दूसरा है रीढ़ की हड्डी, रीढ़ से हमारा शरीर को आधार प्राप्त होता है, तभी तो हम बैठ सकते हैं। फिर मेरुदंड के टेढ़ेपन के कारण भी हम सिर का संतुलन बनाए रखते हैं, है ना। अगर मेरुदंड टेढ़ी नहीं होती, एकदम सीधी है होती, तो हम ये सिर का संतुलन नहीं बनाए रखते, दाएं बाएं नहीं घुमा सकते थे सिर को, है ना। तो सिर को संतुलन करने के लिए भी मेरुदंड का कार्य है। मेरुदंड अनेक कोशिकाओं से बना होता है, इसलिए हम शरीर आगे पीछे दाएं बाएं घुमा सकते हैं। फिर पांचवा का शरीर की हड्डियों का सभी अप्रत्यक्ष रूप से मेरुदंड से ही जुड़ी रहती है। सभी हड्डियां अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी रहती, किससे? मेरुदंड से, है ना। सारी हड्डियों को वो जोड़ के रखता है मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी। फिर ऐच्छिक पेशियों का सचित्र वर्णन करिए। तो हम ऐच्छिक पेशियों के बारे में, जैसे हृदय की पेशी एक चीज है ना, और हाथ पैर चलना, हाथ पैरों का चलना, पैरों का काम करना आदि ऐच्छिक पेशी में आता है। तो इसके चित्र के बारे में हम देखेंगे। ये बाहर की है हमारी पेशी जाल। क्या है ये? पेशी जाल आवरण है। फिर अंदर ये क्या बनी है? ये नाभि या केंद्रक, उसका हम नाभिक या केंद्रक कहते हैं, कोशिकाओं के बीच में होती है। और ये हमारे जो इसी से लगे हुए जुड़े जुड़े हैं, ये क्या है? पेशी तंतु। ये इच्छा अनुसार काम करती हैं। ऐच्छिक पेशियां इच्छा के अनुसार काम करती हैं। हाथ पैरों को चलाना, पैरों से काम लेना और संधि किसे कहते हैं या इसके प्रकार कितने होते हैं? संधि किसे कहते हैं, इसके प्रकार लिखो। इसके प्रकार लिखे। उत्तर है, जिस स्थान पर दो या दो से अधिक हड्डियां आपस में मिलती हैं, उन्हें हम संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? दो हड्डियां, जैसे ये घुटने की हड्डी होती है और यहाँ ये हिस्सा, क्या है ये? संधि। ये जोड़ता है, क्या है? संधि। ये दोनों को आपस में जोड़ रही है, इसे हम क्या बोलेंगे? संधि। संधि के प्रकार, संधि के प्रकार कई प्रकार की होती हैं, जैसे रेखीय संधि, उपास्थि संधि, स्थैतिक संधि, चलदार संधि यानी चलने वाली, जैसे घुटनों के हाथ पैरों की संधियां है ना, सैंडल संधियां ये पैरों में होती है, पर जो फिसलने वाली, जो जल्दी से हाथ हम जैसे धोते हैं बार बार, अगर हम अभी हाथ धोते तो हमारे हाथ जल्दी जल्दी फिसलते हैं।